नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश, आपका स्वागत है दिक्कत सेंटर यूट्यूब चैनल पर। देखो, आरआरबी की जो मैथ्स क्लास चल रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड है, तो आप ज़रूर देख लीजिए। बाकी जो भी चैप्टर्स होंगे हम लोग डेफिनेटली कवर अप कर देंगे। ये कर लोगे तो आपको जो है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा गाइस, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो। और डेफिनेटली किरण की जो प्रीवियस ईयर की चैप्टर वाइज है, उससे भी क्वेश्चन ज़रूर जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा। दिस आर द पैटर्न्स जो हम लोग आपको सिखा दे रहे हैं। अब इसके बाद आपको जो है बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो मैथ्स एंड रीजनिंग बहुत अच्छा आपको हो जाएगा। तो देखो, फ्रैक्शंस में जो एक चैप्टर, छोटा सा चैप्टर है, इसमें बेसिकली जो टाइप के मेनली क्वेश्चन आते हैं वो मैं करा देता हूँ। एक तो ऐसा आता है जो जिसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई का इसका भी बहुत ईजी है। नीचे से स्टार्ट करना है, नीचे का सॉल्व करते जाओगे तो ऊपर हो जाएगा। तो देखो, वो फोर, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, 4 × 1 + 1 मतलब 5/4 यहाँ पे आ गया। अब 5/4 को उल्टा कर दो, उल्टा कर दो मतलब 4/5 आ जाएगा। फिर से वही पैटर्न आपको फॉलो करना है, 5 × 3 = 15 एंड 4 = 19, 19/5 आया। फिर इसको उल्टा कर दो तो 5/19 आ जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करो, 19 × 38 + 5 = 43। फिर उसको उल्टा कर दो, 43/19 आया, उल्टा कर दो, 19/43 आपका राइट आंसर आ गया। देखो, फिर ऐसा एक देता है जहाँ पर आपको सिंप्लीफाई करना होगा। ऐसे देखो, तो सबसे पहले ऐसा है तो ऊपर वाला ऊपर का सिंप्लीफाई करो, नीचे का नीचे सिंप्लीफाई करो। आप इसको करोगे तो नीचे ऊपर में जो है 6 LCM आएगा और नीचे में 36 LCM आएगा। तो 6 LCM लेगो तो 3 + 4 आएगा ऊपर, और नीचे जो है 27 - 8 आया, तो यहाँ पे 7/6 आया। और नीचे में सॉल्व करोगे तो 19/36 आया। जब अब ऐसा आने के बाद ये जो होता है ना, ये उल्टा यहाँ पे गुना हो जाता, कहते हैं उल्टा करके, तो 36/19 आपका आ गया। अब इसको इसको काटो 6, ठीक है, 7 × 6 अब कट नहीं रहा, तो 7 × 6 = 42/19 आपका राइट आंसर आ गया। देखो, और एक इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बार आता है, ऐसे आपको जो है प्लस माइनस करने के लिए सॉल्व करने के लिए दे दिया। तो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट जो है, जो ये नॉर्मल नंबर्स है, आप इसको ऐड या माइनस कर लो। जैसे देखो, 3 + 5 है, 3 है, +5 है, -2 है, -4 है, ठीक है, इसको एक साथ कर लिया। और जो भी फ्रैक्शन है उसको कर लो, 10/15 प्लस में है, 5/17 ये माइनस में है, 9/20 ये माइनस में, 9/10, ठीक है। अब जो है इसको पूरा सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो आपका 22/30 आएगा, और यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो 2 आएगा। अब इसको काटने के बाद 1/15 आएगा, तो आपका जो आंसर आ जाएगा 2/1/15 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देता है हमेशा सिंप्लीफाई। इतना बड़ा आपको देखने में ही लगेगा, लेकिन बहुत ही ईजी है, ठीक है। ये सिंप्लीफाई भले ही करने दे तो, लेकिन बहुत ईजी है। कैसे, देखो, आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 × 5 + 30 ऊपर, नीचे भी सॉल्व करोगे तो 5 × 5 + 5 = 30, तो 30 30 ये तो डिडक्ट हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इसमें देखोगे ये ऑफ मतलब है, सबसे इसको सॉल्व कर देना, तो 1/25 आ गया, यहाँ पे भी ऑफ है, 1/25 आ गया, ठीक है। अब देखो, इसको सॉल्व करोगे तो 24/5 आएगा, और इसको ऊपर में चला जाएगा तो 10/2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, इसमें क्या करना है, अब देखो ये डिवाइड है तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आ जाएगा, तो 5/125 मतलब कट जाएगा। देखो, ये 25 ऊपर आ गया तो 5/5 = 25 रह जाएगा, और ये भी जो है 125 × ये 1/5 जो उल्टा हो जाएगा तो 5, तो ये कट जाएगा, 1/5 आ जाएगा, तो 1/5 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 24/5 और 10 × इसको गुना कर दो। अब ये 5 को ये 5 दो, ये 2 को ये 2 से काट दो, तो यहाँ पे 24 रहा, और ये 5 को ऊपर में लेके चला तो 25 - 24 तो 1 आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऐसा क्वेश्चन आता है, अ सम ऑफ मनी व्हेन इंक्रीज बाय 7th पार्ट अमाउंट्स टू 40। एक पैसा जब 7th पार्ट इंक्रीज होता है तो वो 40 रुपये हो जाता है। तो 7th पार्ट देखो, मान लेते हैं वो पहला पार्ट x है, उसका 7th पार्ट मतलब x/7, दोनों को ऐड करोगे तो 40, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो कितना आ गया, 7x + x मतलब 8x / 7 = 40, तो अब इसको गुना करो तो x = 35 आपका आंसर आ जाएगा। फिर ऐसा भी क्वेश्चन देता है, देखो, 1/4 1/7 ऑफ अ लैंड इज सोल्ड फॉर 30,000। 1/4 1/7 जो सोल्ड हुआ है आपका कितना, 30,000, तो इसको गुना करोगे 128 का मतलब 30,000, एक का मतलब क्या, और आपको पूछा है 8/35 मतलब 8/35 का कितना, तो 1,92,000 आ जाएगा। देखो, और एक ऐसा भी देता है, इसमें क्या होगा आपका, ऐसे देता है आपको ये स्टार मार्क पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसका भी लॉजिक देखो, इसको आंसर से आप ज़रूर सॉल्व करो तो जल्दी हो जाएगा, आंसर में ज़रूर दिया जाएगा। देखो, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 30 होना होगा, तो ये बेसिकली 6 और 5 तो नहीं हो, यहाँ पे 5 करोगे तो 30 से ज़्यादा हो जाएगा, तो ऑब्वियसली 5 से छोटा ही होगा, 4। तो देखो यहाँ पे हम लोग का 4 आ गया, ये 4 आ गया, ठीक है। अब तुम क्या करो, इसको तो पता है तो इसको इधर लेके आ जाओ,
तो इसको इधर लेके आए तो सॉल्व किए तो 6/37 आया। अब देखो 6 आया, ऊपर में 3 है तो 6 है, 3 है, नीचे में क्या होगा फिर 7 है, तो 7 आंसर आ जाएगा। अब इसे भी सॉल्व करते हो और आंसर भी दिया रहेगा, ऑप्शंस भी दिया रहेगा, तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो गाइस। तो चलो, अच्छा लगे तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नया वीडियो के साथ। टिल देन गुड।